बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम का टॉपिक शुरू किया हुआ है और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको फोर ब्रेन के बारे में बताया था। आज हमने बाकी दो पार्ट्स ऑफ द ब्रेन जो है उनको डिस्कस करना है, लेकिन उससे पहले एक रिव्यू मैं आपको दे देती हूँ। पिछले जो भी लेक्चर में आपने फोर ब्रेन के बारे में पढ़ा था उसको हम एक बार फिर देख लेते हैं। तो फोर ब्रेन, एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर दैट फॉर द सेक ऑफ स्टडी एंड फॉर द स्टडी टू बी ईजियर, द ब्रेन इज़ डिवाइडेड इन थ्री पार्ट्स डिपेंडिंग ऑन इट्स लोकेशन। फर्स्ट वन इज़ द फोर ब्रेन, द अदर वन मिड ब्रेन एंड द लास्ट वन इज हाइंड ब्रेन। तो फोर ब्रेन its name implies is the front area of the brain, front part of the brain. This is the highest section of the brain in human beings, and about 90% of the whole brain's weight and mass is located in this region. This part is related to the higher mental processes, the mental processes which make human beings the highest on the highest that place human beings on the highest ladder of the evolution. इंसानों को इर्तका में जो highest level हासिल है, highest degree जो हासिल है, that is only because of this part of the brain which is called the forebrain. Forebrain consists of four more parts. In fact, this is the highly complicated section of the brain, but we are going to discuss only those sections of this part which are related to the psychological functioning. So first part is cerebrum, which is also called the cerebral cortex. Cortex means the above part of upper part of a thing. किसी भी चीज़ का जो ऊपर का हिस्सा होता है उसको हम कॉर्टिकल रीजन कहते हैं। तो सेरिब्रम या सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट इन द सेंस है कि दिस इज़ जस्ट लाइक द स्ट्रक्चर ऑफ अ वॉलनट, जो एक खाते हैं नट खाते हैं अखरोट जिसको हम कहते हैं, ये बिल्कुल उसी की तरह का सेगमेंट होता है। ये आपको नज़र भी आ रहा होगा यहाँ पर, ये जो है ये फोल्डेड एक रीजन होता है और अगर हम इसके फोल्ड्स को खोलें तो ये बहुत सारी जगह लेता है। तो अल्लाह ताला ने इसकी हिफाजत का इंतज़ाम ये किया है कि उसको फोल्ड करके एक छोटे से सेक्शन में के इसमें रख दिया गया है और इसके अंदर ट्रिलियंस ऑफ सेल्स एंड देयर कनेक्शंस आर लोकेटेड इन इट। बहुत ज़्यादा सेल्स होते हैं और फाइबर्स होते हैं, टिश्यूज़ होते हैं इसके अंदर। तो ये जो सेक्शन है ये एक बड़ी जो लेफ्ट इसको हम कह सकते हैं या फिशर जिसको हम कहते हैं दराड़, ये इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करती है। वन इज़ द राइट हेमिस्फीयर एंड द अदर इज़ द लेफ्ट हेमिस्फीयर। दिस फिशर इज़ कॉल्ड फिशर ऑफ सिल्वियस, जो इसको दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करती है विच आर कॉल्ड द राइट हेमिस्फीयर। राइट हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स द लेफ्ट सेक्शन ऑफ द बॉडी। बॉडी का जो लेफ्ट पार्ट होता है, लेफ्ट एरिया होता है, वो सारा राइट हेमिस्फीयर कंट्रोल करता है एंड द राइट हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स द लेफ्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। तो इस तरह से ये जो है ये ऑपोजिट सेक्शंस ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करते हैं और ये एक स्ट्रक्चर विच इज़ कॉल्ड कॉर्पस कैलोजम, उसके थ्रू जो है ये ज्वाइन होते हैं और इंडिपेंडेंट नहीं होते। इन दोनों के अंदर जो कुछ भी हो रहा था वो एक दूसरे को इसका पता होता है। उसके बाद जी नेक्स्ट वन इज़ द कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स जो है ये 3 मिलीमीटर थिक लेयर होती है जो कि पूरे हेमिस्फीयर्स को कवर करती है और हमारे नॉलेज, इंटेलिजेंस, एक्सपीरियंस, मेमोरी, लैंग्वेज डेवलपमेंट, ये सारी जो है ये इससे रिलेटेड होती हैं। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, हमारा नॉलेज बढ़ता है, तो ये जो लेयर्स होती हैं ये कन्वर्जेंस जिनको कहते हैं ये डीप होती जाती हैं, जो तही होती हैं ये गहरी होती जाती हैं। इनफैक्ट depth of these convulsions is directly related to the intelligence of an individual. जितनी ज़्यादा गहरी ये तहें होती हैं उतना ही ब्रेन का वेट ज़्यादा होता है इन रेशियो ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड।
और उतना ही जो है वो ह्यूमन बीइंग इंटेलिजेंट होता है। तो एक और एक जो फिशर आपको मैंने बताई फिशर ऑफ सिल्वियस, वो ब्रेन को टू हाफ्स में डिवाइड करती है। एक और फिशर जो है वो अपसाइड डाउन जो है वो ब्रेन को टू मोर पार्ट्स में डिवाइड करती है। दैट इज़ द नेम ऑफ दैट फिशर इज़ द फिशर ऑफ रोलैंडो। तो ये जो है ये इसको जब ये डिवाइड करती है तो जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है इट इज़ डिवाइडेड इंटू फोर लोब्स। ये जो चार लोब्स हैं ये सेंसरी एंड मोटर एरियाज ऑफ द ब्रेन होते हैं। तो पहला जो लोब है विच इज़ फ्रंटल लोब, फ्रंट में होता है, फोरहेड के पास ये लोकेटेड होता है। तो ये जो है इट इज़ रिलेटेड टू मोटर फंक्शंस, जो हमारे वॉलंट्री मूवमेंट्स होती हैं, चलना फिरना मूव करना, ये इसके कंट्रोल में होती हैं। और इसका अपर सेक्शन जो है वो लोअर सेक्शन ऑफ बॉडी को कंट्रोल करता है और लोअर सेक्शन जो है अपर पार्ट ऑफ द बॉडी की मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है, नर्व्स को कंट्रोल करता है। और एडिशनली दिस एरिया इज़ रिलेटेड टू द स्पीच डेवलपमेंट इन ह्यूमन बींग्स एंड इंटेलिजेंस, मेमोरी, थिंकिंग एंड सेंटीमेंट्स, जो भी हमारी फीलिंग्स एहसास होते हैं उनका ताल्लुक इस हिस्से के साथ होता है। बाकी तीन जो लोब्स हैं दे आर रिलेटेड टू द सेंसरी सेंसेशंस। पांच जो सेंसेशन हमारी हैं उनमें से तीन जो हैं वो एक के साथ रिलेटेड हैं, एक अकेली सेंसेशन एक और के साथ, और एक और थर्ड जो सेंसेशन है वो एक और लोब के साथ। जो फर्स्ट लोब है जो कि फ्रंटल लोब के बैक साइड पर होती है और बिहाइंड फ्रंटल लोब यानी जो पहली है उसके पीछे होती है ये, और दिस इज़ कॉल्ड यहाँ पर, ये देखिए ये फ्रंटल लोब है और ये यहाँ पर इसके पीछे ही ये पैराइटल लोब है। पैराइटल लोब जो है ये हमारी स्किन सेंसेशन से ताल्लुक़ रखती है, यानी जो भी चीज़ें हम स्किन से फील करते हैं, हीट, कोल्ड, पेन, टच एंड प्रेशर, ये सारे जो हैं ये इससे रिलेटेड होते हैं। फिर अगली जो लोब है दैट इज़ टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब जो है ये फ्रंटल लोब के नीचे होती है एंड इट इज़ रिलेटेड टू द सेंसेशन ऑफ हियरिंग, स्मेलिंग एंड टेस्टिंग। और यानी हमारी जो तीन सेंसेशन होती हैं सुनना, सूंघना और चखना, ये उसको कंट्रोल करती हैं। और लास्ट लोब जो है दैट इज़ ऑक्सीपिटल लोब, जो कि बैक साइड ऑफ द ब्रेन होती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंसेशन ऑफ ह्यूमन बींग्स विच इज़ द विजन। देखने की सलाहियत इस हिस्से से रिलेटेड होती है। तो ये जो है ये तीन जो लोब्स हैं ये मोट सेंसरी एरियाज होते हैं और यही जो है ये फोर ब्रेन के फंक्शंस भी हैं, सेंसरी एंड मोटर फंक्शनिंग, कंट्रोल ऑफ सेंसरी एंड मोटर फंक्शनिंग। दो और पार्ट्स जो कि फोर ब्रेन के हैं दे आर थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। थैलेमस जो है एग लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये हमारी फोर ब्रेन में जो है ब्रेन स्टेम से थोड़ा ऊपर होता है। ये दो होते हैं थैलेमस जो है, इनकी तादाद दो होती है, तो एक राइट हेमिस्फीयर में और एक लेफ्ट हेमिस्फीयर में। और ये जो है इट फंक्शंस एज अ रिले स्टेशन। रिले स्टेशन मींस टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन एंड टू सेंड इट टू द रेलिवेंट एरियाज, यानी डिसाइड ये करना कि ये इंफॉर्मेशन जो आई है इसको कहाँ भेजना है, कौन से ब्रेन के एरिया में इसने जाना है। लाइक अगर हमारे पाँचों सेंसेशंस जो हैं वो इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन को सेंड करते हैं, तो थैलेमस डिसाइड करता है कि विजन देखने की जो इन्फॉर्मेशन है उसको ऑक्सीपिटल लोब में भेजना है, जो सुनने की इन्फॉर्मेशन है उसको टेम्पोरल लोब में भेजना है, जो स्किन सेंसेशन है उसको जो है वो हमने उसमें पैराइटल लोब में, और अगर कोई मूवमेंट उसके जवाब में कोई मूवमेंट होनी है तो उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो फ्रंटल लोब में जाएगी। तो यानी किस एरिया में कौन सी इन्फॉर्मेशन जानी है इसका डिसीजन यही होता है। तो ये इसके फंक्शंस हैं। हाइपोथैलेमस जो है ये इससे एक नीचे का स्ट्रक्चर होता है, छोटा पी साइज स्ट्रक्चर होता है, और ये जो है ये हमारे मोटिवेशनल बिहेवियर में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है, जिसकी डिटेल आप चैप्टर पढ़ेंगे तो आएगी। और ये जो है हमारी हंगर, थर्स्ट, स्लीप, सेक्सुअल बिहेवियर, एग्रेशन, और इसके अलावा बॉडी का जो बैलेंस होता है एंड बाहर के एनवायरनमेंट के मुताबिक बॉडी को एडजस्ट करना, वो भी इसका काम होता है। और इमरजेंसी सिचुएशन में एंडोक्राइन ग्लैंड्स के साथ मिलकर ऑर्गेनिज्म को फाइट और फ्लाइट के लिए रेडी करना जो है वो भी इसका फंक्शन होता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। मिड ब्रेन, दिस पार्ट ऑफ द ब्रेन इज़ लोकेटेड बिटवीन द हाइंड ब्रेन एंड द फोर ब्रेन। इट इंटरकनेक्ट्स बोथ these parts of the brain. The nerves of this part are connected to the forebrain at the top and to the
टू द हाइंड ब्रेन एट द बॉटम. बेसिकली इट इज़ द सेंटर ऑफ रिलेइंग इंफॉर्मेशन. ये जो है ये एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है जो कि मिड ब्रेन और फोर ब्रेन, ऊपर वाला जो बालाई हिस्सा होता है, एंड हाइंड ब्रेन जो बैक साइड ऑफ द ब्रेन है, लोअर साइड ऑफ द ब्रेन है, उसको इंटरकनेक्ट करता है. और ये भी रिले स्टेशन है कि जब इंफॉर्मेशन ब्रेन से यहाँ आती है या बॉडी से ब्रेन में जाती है तो ये डिसाइड करता है कि कौन सी इंफॉर्मेशन जो है, इसमें ऐसे सेंसर्स होते हैं जो इसको बताते हैं कि कौन सी इंफॉर्मेशन किस हिस्से में जानी है. तो इसलिए, और इसके अलावा बाकी जो इसके फंक्शंस हैं वो हमारे साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा रिलेटेड रेलिवेंट नहीं है, तो इसलिए इसके बारे में इतना ही आप लोगों ने पढ़ना है. फिर आ जाएं जी हाइंड ब्रेन. हाइंड ब्रेन यानी बैक साइड ऑफ द ब्रेन या लोअर साइड ऑफ द ब्रेन. दिस पार्ट ऑफ द ब्रेन इज़ लोकेटेड नियर द स्पाइनल कॉर्ड. इसको ब्रेन स्टेम भी कहते हैं, यानी जो ब्रॉडर एक बड़ा हिस्सा, जैसे ब्रेन जो दरख्त की शाखें होती हैं वो ब्रॉड होती हैं, बहुत ज़्यादा होती हैं, और वो अगर हम उनको नैरो डाउन करें तो वो स्टेम की तरफ आती हैं. तो ये भी ब्रेन का पार्ट जो है ये नैरो डाउन हो रहा होता है स्टेम की तरह. तो इसके जो है वो तीन स्ट्रक्चर्स जो है वो इम्पॉर्टेंट हैं जो हमने इसमें पढ़ने हैं. उनमें से पहला स्ट्रक्चर जो है दैट इज़ द सेरिबेलम. सेरिबेलम ये आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर, ये सेरिबेलम, ये लोब्यूलर स्ट्रक्चर, लोब्स की तरह का स्ट्रक्चर होता है. ये बिल्कुल, ये भी फोल्ड्स होते हैं, बारीक बारीक सी तहें होती हैं जो कि इस हिस्से में होती हैं. और ये ब्रेन का जो है वो 10% ऑफ द ब्रेन का वेट जो है वो इस हिस्से में होता है, क्योंकि ये काफ़ी सारा एक एरिया होता है जो कि छोटी थोड़ी सी जगह के ऊपर उसको रखा जाता है. अगर आप रिकलेक्ट करें PNS, तो उसमें आपको मैंने दो टाइप्स ऑफ नर्व्स बताई थी. वन वाज़ द क्रेनियल नर्व्स. देयर आर 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स विच ओरिजिनेट, विच स्टार्ट फ्रॉम द ब्रेन एंड गो आउट ऑफ द ब्रेन, डायरेक्टली आउट ऑफ द ब्रेन टूवर्ड्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. तो ये ब्रेन से जब जाते हैं तो ये सेरिबेलम में से होकर निकलते हैं, हायर अपर सेंटर ऑफ द ब्रेन से निकल कर सेरिबेलम में से गुजर कर बॉडी के डिफरेंट रीजन्स में जाते हैं. मेनली जो है ये हमारे हेड, फेस, शोल्डर्स, ज़्यादातर इन्हीं एरियाज़ में ये होते हैं. और इन एरियाज़ की सारी जो मूवमेंट्स हैं और जो सेंसेशंस हैं वो सेरिबेलम से होकर गुजरती हैं. तो इट आल्सो एक्ट्स एज अ रिले स्टेशन. तो ये जो है ये 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स जो हैं वो इसमें ये उसका एक रास्ता है, पाथवे है, यहाँ से होकर गुजरती हैं. और फंक्शंस इसके क्या हैं? इट हेल्प्स द नर्व्स टू कीप टॉट, टाइट, स्ट्रेट, स्ट्रेच्ड रखता है, टोन्ड रखता है. इट कोऑर्डिनेट्स आवर वॉलंट्री मूवमेंट्स, इट कोऑर्डिनेट्स मसल मूवमेंट्स एंड मेंटेन्स बॉडी इक्विलिब्रियम. तो हमें हमारे मसल्स को टोन अप रखता है और हमें मूवमेंट में हेल्प करता है, जान जो हमारी मर्जी की मूवमेंट्स होती हैं. मसल और मूवमेंट्स जो हैं उनमें जब हम चलते फिरते हैं तो हमारी बॉडी का बैलेंस और इक्विलिब्रियम मेंटेन रखता है. और अगर इसमें कोई डिफेक्ट हो जाए तो ह्यूमन इंडिविजुअल जो है वो जर्की मूवमेंट्स उसकी होती हैं, वो ठीक चल नहीं सकता. और एक डिसऑर्डर है दैट इज़ कॉल्ड अटेजिया अपेजिया. तो वो कुछ साइकेट्रिक ड्रग्स के लॉन्ग टर्म यूज़ की वजह से होता है. तो उसमें जो है वो ह्यूमन बींग जो है वो चल नहीं सकता ठीक. तो वो उसमें जो है वो यही पार्ट जो है वो अफेक्टेड होता है. और बर्ड्स जो हैं उन पर एक्सपेरिमेंट से ये पता चला है कि अगर इनका ये डिफेक्टेड हो जाए सेरिबेलम तो वो फ्लैप करते हैं अपने विंग्स, बट दे कीप लाइंग ऑन द ग्राउंड बट दे कैन नॉट फ्लाई. और वैसे बर्ड्स का ये पार्ट जो है, ये सेक्शन जो है, ये काफ़ी बिगर इन साइज होता है, बिकॉज बर्ड्स हैव टू मेंटेन इक्विलिब्रियम. उनके जो बैलेंस है वो बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, दैट्स वाई देर ये सेक्शन उनका बड़ा होता है. उसके बाद आ जाते हैं पॉन्स. पॉन्स जो हैं ये भी एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि जिसका मीनिंग है पुल, ब्रिज. ये यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा पॉन्स. ये जो है ये सेरिबेलम के दूसरी साइड पर होता है. दिस इज़ लोकेटेड नेक्स्ट टू द सेरिबेलम. It interconnects both hemispheres of the brain through the corpus callosum and lower cortex nerves. कॉर्पस कैलोजम जो है वो ज्वाइन करता है दो हेमिस्फीयर्स को, ये आपने पहले भी पढ़ा है. और ये पॉन्स जो है ये बिल्कुल उसके साथ ही उनको ज्वाइन करता है. और द पॉन्स सर्व एज अ
ब्रिज बिटवीन बोथ हेमिस्फीयर्स बिसाइड्स इट आल्सो फंक्शंस लाइक अ रिले स्टेशन, ये भी रिले स्टेशन के तौर पर काम करता है, लाइक थैलेमस एंड मिड ब्रेन, और जो इन्फॉर्मेशन यहाँ आती है वहाँ से ये रिलेटेड रेलिवेंट सेक्शंस को रिले हो जाती है. नेक्स्ट पार्ट इज़ द मेडुला. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द टॉप एंड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड. दिस पार्ट ऑक्यूपाइज अ की रोल इन एक्सिक्यूटिंग मैकेनिकल फंक्शंस ऑफ इनवॉलेंट्री मसल्स. इट इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व इन रेस्पायरेशन, ब्लड सर्कुलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर इन हीट एंड कोल्ड. ड्यूरिंग रेस्ट एंड स्लीप इट स्लोज डाउन द हीविंग ऑफ लंग्स एंड हार्ट बीट सो दैट दे हैव अ रेस्ट. तो ये पार्ट जो है ये यहाँ पर से आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये मेडुला आपको नज़र आ रहा होगा. ये स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर वाला सेक्शन होता है, ये थोड़ा सा ब्रॉड होता है, स्पाइनल कॉर्ड से चौड़ा होता है, और ये जो है ये हमारे मैकेनिकल फंक्शन वो होते हैं जो मशीनी तौर पर खुद ब खुद होते रहते हैं, हम उसको नहीं कंट्रोल कर सकते. वो मस्कुलर फंक्शन, जैसे हमारा हार्ट एक मसल है, कार्डियक मसल, लंग्स जो हैं उनकी मूवमेंट भी मसल्स से होती है, स्टमक भी मसल्स के थ्रू मूव करता है, तो ये सारी मूवमेंट जो है ये लाइफ लॉन्ग होती है. हार्ट की तो पूरी ज़िंदगी ही हार्ट ने बीट करना होता है, तो ये सारे जो हैं ये इस मेडुला के कंट्रोल में होते हैं. और इसके अलावा ये टेम्परेचर और हीट एंड कोल्ड रेगुलेशन में भी रोल प्ले करता है, रेस्ट एंड स्लीप में भी इसका रोल होता है, और स्लीप जब हम सो रहे होते हैं तो उस वक्त ये हमारा जो है हार्ट बीट और ब्रीदिंग रेट जो है उसको स्लो डाउन कर देता है, सो दैट दे कैन दीज ऑर्गन कैन हैव अ रेस्ट, बिकॉज दे हैव टू वर्क कंटिन्यूसली थ्रू आउट द लाइफ. और इसका जो है इफ़ अपर फ्रंट पार्ट ऑफ द मेडुला इज़ डैमेज्ड और इंजर्ड द कनेक्शन बिटवीन द ब्रेन एंड द रेस्ट ऑफ बॉडी इज डिसरप्टेड. यानी ये स्पाइनल कॉर्ड और बॉडी के दरमियान जो है ब्रेन के दरमियान लिंक क्रिएट करता है, और अगर ये इसका कनेक्शन लॉस्ट हो जाए या कोई डिफेक्ट हो जाए तो ये अफेक्ट हो जाता है, और सेंसेशन नहीं सही तौर पर फील होती है, और फिर जो ऑर्डर ऑफ द ब्रेन है वो सही तौर पर इम्प्लीमेंट नहीं हो सकते. तो ये जो है ये सारे पार्ट्स ऑफ द हाइंड ब्रेन है, और ये हाइंड ब्रेन जो है ये थ्री स्ट्रक्चर्स इसके जो है वो इसके ऊपर आप एक्सप्लेन करना. अगर आपको क्वेश्चन आता है डिस्क्राइब या एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ब्रेन, तो यहाँ तक आपने लिखना होगा. हाउ एवर इफ़ द क्वेश्चन इज़ अबाउट द एक्सप्लेनेशन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, देन यू हैव टू राइट अबाउट स्पाइनल कॉर्ड टू. Now coming towards the spinal cord, the second important part of the central nervous system is the spinal cord. It is the second in command in the central nervous system. पहले भी इसके बारे में बात कर चुके हैं कि ये छोटा सा स्ट्रक्चर होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, लेकिन ये ब्रेन के बाद सेकेंड नंबर इसकी इम्पॉर्टेंस है पूरे बॉडी में, यानी सेकेंड इन कमांड है. हाउएवर इट बिकम्स फर्स्ट इन कमांड ड्यूरिंग द रिफ्लेक्स एक्शन. This part is about 1.5 thick inch thick, एक और आधा डेढ़ इंच चौड़ा होता है, मोटा होता है, एंड 16 इंच लॉन्ग होता है, और ये हमारी जो है वो वर्टिब्रल कॉलम में से होकर गुजरता है और रीढ़ की हड्डी के मोहरों में से गुजरता है, और इसका जो बाहर का हिस्सा होता है वो वाइट होता है और अंदर का पार्ट जो है वो ग्रे होता है. तो आप लोगों ने भी ये देखा होगा स्पाइनल कॉर्ड, अगर आप चिकन की नेक को देखें उसके ऊपर जो है वो रीढ़ की हड्डी होती है, और दरमियान में से अगर आप उसको तोड़ें तो एक ट्यूब होती है, ट्यूब जो है बाहर से वाइट होती है अंदर से ग्रे होती है, वो स्पाइनल कॉर्ड होता है. तो स्पाइनल कॉर्ड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रिफ्लेक्स एक्शन, इसके बारे में बता चुकी हूँ आपको कि रिफ्लेक्स एक्शन क्या है. इट इज़ रिफ्लेक्स एक्शन इज़ अ सिंपल इन इट्स नेचर एंड हैपन्स ऑटोमेटिकली इन केस ऑफ emergency or some important matter under the orders of the spinal cord. Spinal cord जो है वो अपनी मर्जी से जो है वो action करवाता है और उसकी information brain को दे देता है. जैसे अगर हम किसी गर्म चीज़ को touch कर लें तो हमारा हाथ जो है वो पीछे हो जाता है, और फिर हमें समझ आती है कि हमने हाथ को पीछे क्यों खींचा था. तो ये क्योंकि एक बहुत strong और intense सेंसरी इंफॉर्मेशन होती है जो कि हमारे स्किन के जो सेंसर जो रिसेप्टर्स होते हैं वहाँ से ब्रेन को जाती है. जैसे ही वो इतनी शदीद इंफॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड पे आती है, स्पाइनल कॉर्ड को समझ आ जाती है कि ये कोई डेंजरस चीज़ है, और अगर एक्शन ना लिया गया तो ह्यूमन बीइंग या ऑर्गेनिज्म की लाइफ जो है वो ख़तरे में होगी, लिहाजा वो
आर्म के मसल को स्ट्रेच करवाता है और इसके साथ ही इंफॉर्मेशन ब्रेन को भेज देता है, जिससे हमें हाथ खींचने के बाद समझ आती है कि हमने ऐसा क्यों किया था. तो दिस इज़ कॉल्ड द रिफ्लेक्स एक्शन एंड दिस एक्शन इज सोली कंट्रोल्ड बाय द स्पाइनल कॉर्ड. तो उसके बाद आवर स्केलेटन इज अटैच टू द बैकबोन. स्पाइनल नर्व्स के जो 31 पेयर्स होते हैं PNS में, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, जिसके बारे में बहुत डिटेल से हम बात कर चुके हैं, वो स्पाइनल कॉर्ड से ही निकलते हैं और हमारी जो वर्टिब्रल कॉलम या रीढ़ की हड्डी के मोहरों में से गुजरकर बॉडी में जाते हैं. यहाँ पर से जो ये सेक्शन होता है ये ग्रे इन कलर होता है. जो वाइटर पार्ट होता है वो द प्रेजेंस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्सॉन्स, और जो ग्रे पार्ट होता है वो जिस एरिया में डेंड्राइट्स और सेल बॉडी ज़्यादा होती है वो ग्रेइश इन कलर हो जाता है. नाउ कमिंग टूवर्ड्स द फंक्शंस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, इट कंट्रोल्स सिंपल मेंटल प्रोसेसेस. द स्पाइनल कॉर्ड इंटरकनेक्ट्स द ब्रेन एंड द मसल्स एंड बॉडी. इट कैरीज आउट रिफ्लेक्स एक्शन इन इमरजेंसी. न्यूरल इम्पल्सिस फ्रॉम द ब्रेन रीच द कंसर्न्ड ऑर्गन्स एंड मसल्स थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड. तो ये सारे इसके फंक्शंस हैं, जो कि पहले भी हम बात कर चुके हैं कि ब्रेन और बॉडी के दरमियान रابطہ इसकी वजह से होता है, और इसी तरह से जो है रिफ्लेक्स एक्शन इसी की ज़िम्मेदारी होती है. और जो भी बॉडी की इंफॉर्मेशन ब्रेन को और ब्रेन की इंफॉर्मेशन बॉडी को, इसी के थ्रू आती है. तो ये जो है आपका सारा टॉपिक कंप्लीट हो गया. अब जो है वो आपको मैं बता दूं कि आपका जो सिलेबस है इसका मिड टर्म का, वो है 4th chapter तक. 3rd chapter हम ये पढ़ रहे हैं. कल जो है आपका एक ग्लैंड सिस्टम में शुरू कराऊंगी इस टॉपिक में, इस चैप्टर में से. वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वो आपने पढ़ना है. और उसके बाद जो है नेक्स्ट चैप्टर सेंसेशन, जिसमें दो मेन जो सेंसेशंस हैं उनके बारे में आपने पढ़ना है, विच आर द विजन एंड द हियरिंग. और उसमें आपने स्ट्रक्चर ऑफ द आई एंड स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन ईयर, वो आपने पढ़ना होगा. तो वो आपका सिलेबस होगा. और आप लोगों का जो पेपर पैटर्न है वो भी मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि वो आपके 3 questions होंगे. क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो दैट विल बी द ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ टाइप क्वेश्चन नंबर 1, और ये 5 marks का होगा और इसमें 10 MCQs होंगे, हाफ मार्क का एक MCQ. क्वेश्चन नंबर 2 5 short questions, 2 numbers एक क्वेश्चन के होंगे और वो जो है 10 marks का होगा. और क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो होगा आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन, दैट विल बी ऑफ 5 marks. तो 5 marks अब इसके होंगे. और 5 number जो है वो सेशनल मार्क्स होंगे, जो आपकी अटेंडेंस और आपकी क्लासरूम पार्टिसिपेशन, आप असाइनमेंट्स और क्विजेज और जो भी, और आपका ओवरऑल बिहेवियर उसके होंगे. वो अभी तक जाहिर है हमारा इंटरेक्शन ही नहीं हुआ है डायरेक्ट कोई भी. तो बहरहाल वो फिर देखेंगे बाद में कि उसका हमने क्या प्लान करना है. तो 25th January ऑनवर्ड्स आपके होंगे मिड टर्म एग्ज़ाम. और ये भी ध्यान में रख लेंगे 50% मार्क्स जो हैं वो पासिंग मार्क्स हैं, और सब में ही आपके 50% मार्क्स होने ज़रूरी हैं. तो सेशनल भी 50%, और यानी 10 मार्क्स जो हैं वो आपके लिए ज़रूरी हैं 20 में से, और 2.5 marks सेशनल जो हैं वो ज़रूरी हैं. अगर नहीं होंगे तो आप पास नहीं कंसीडर होंगे. अब ये वो वाला क्राइटेरिया नहीं है कि 33% मार्क्स ले लिए आपने और पास हो गए. अब पासिंग मार्क्स जो हैं वो 50% हैं, आधे ही नंबर आपको लेने ज़रूरी हैं. तो बहरहाल पढ़ना शुरू कर दें आप लोग. और 4 chapters जो हैं वो आपका मिड टर्म का सिलेबस होगा. आज के लिए इतना ही. कल इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे. टिल देन अल्लाह हाफिज़.